दोस्तों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। आज आप लोग को जो है हम कुछ यौगिकों का व्यापारिक एवं रासायनिक नाम क्या करेंगे बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक नाम नमक का अम्ल, ठीक है। इनका रासायनिक नाम क्या होता है नमक का अम्ल का? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम जो होता है नमक का अम्ल, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम नमक का अम्ल, नमक का अम्ल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। तो आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन से H, क्लोराइड Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड इनका रासायनिक सूत्र है। सोरा, सोरा का रासायनिक नाम, सोरा व्यापारिक नाम है। इनका रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है इनका रासायनिक नाम हुआ, और इनका रासायनिक पोटेशियम के नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। तो ये इनका रासायनिक सूत्र हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का। अब पोटेशियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम होता है सोरा, ठीक है। अब आते हैं लिथार्ज, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, लिथार्ज, लिथार्ज अब सबको मालूम होना चाहिए। लिथार्ज का रासायनिक नाम जो होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है नाम? रासायनिक नाम लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? लिथार्ज। तो इनका क्या बोलते हैं रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? लेड का होता है PB, ऑक्साइड का हो जाएगा O, तो इनका रासायनिक सूत्र हो जाएगा PbO, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आपका है बुझा चूना, है ना, यहाँ पे लिखा बुझा चूना। तो बुझा चूना का फॉर्मूला, यानी रासायनिक फॉर्मूला नहीं, रासायनिक नाम तो होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो CA कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रा हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बुझा चूना का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CA से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH पे Hall2, तो ये CaOH पे Hall2 इनका रासायनिक सूत्र हो गया। अब लाफिंग गैस, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो इनका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र हो गया, ठीक है। लाल दवा, ये लाल दवा आप सबों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लाल दवा का हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनका पोटेशियम का हो जाएगा के परमैंगनेट का हो जाएगा MnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र, और इनका व्यापारिक नाम जो होता है लाल दवा होता है, ठीक है। तो लाल दवा का आप सबों को मालूम होना चाहिए। लाल दवा का आपका जो है रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट, और रासायनिक सूत्र KMnO4। चूना, ठीक है, चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इनका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। इनका रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम से CA, ऑक्साइड से O, कैल्शियम ऑक्साइड। लाल सिंदूर, इसका हो जाता है लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Pb3O4, Pb3O4, ये लेड पर ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Pb3O4। इसको हम लोग व्यापारिक नाम लाल सिंदूर के नाम से जानते हैं। अब सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल, तो इनका रासायनिक नाम जो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सोरे का अम्ल जो है व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। लाइम स्टोन, इसका रासायनिक नाम सब कोई जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन व्यापारिक नाम हुआ, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CA, और आपका कार्बोनेट का हो जाएगा CO3, यानी CaCO3। अब आते हैं अमोनियम नौसादार, नौसादार व्यापारिक नाम, और इसका रासायनिक नौसादार व्यापारिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, ये इनका रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। इनका फॉर्मूला हो जाएगा NH4, अमोनियम Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या करोगे, जानोगे, और इनको जो है पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है ना कंपटीशन के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन हो, ठीक है। तो उन सारे एग्जामों में जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारे को जो है ना पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। फिटकरी लिखा हुआ है, फिटकरी मंड लिखा हुआ,
मर्ण व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम स्टार्च, इसका फॉर्मूला रासायनिक सूत्र C6H10O3। फिटक्री पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट रासायनिक नाम, इनका रासायनिक सूत्र हो जाएगा K2SO4Al2SO4PaO3×24H2O, ये इनका रासायनिक सूत्र हो गया और ये इनका रासायनिक नाम हो गया, ये इनका व्यापारिक नाम हो गया। भिलंजक चूर्ण ये व्यापारिक नाम है, इनका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इनका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम से Ca, ऑक्सी से O, क्लोराइड से Cl2। जिप्सम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और व्यापारिक नाम जिप्सम होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4×2H2O, ये रासायनिक सूत्र। अब आते हैं व्यापारिक नाम में सुहागा, इनका रासायनिक नाम बोरेक्स, रासायनिक सूत्र Na2B3O7×10H2O होता है। खाने का सोडा, अब आ जाइए सुहागा तो हो गया आपका, अब खाने का सोडा देख लीजिए, खाने का सोडा तो खाने का सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रासायनिक सूत्र हो गया, ये रासायनिक नाम ये व्यापारिक नाम। धोने का सोडा ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट रासायनिक नाम हुआ, रासायनिक सूत्र है Na2CO3×10H2O। तो इस प्रकार से व्यापारिक नाम रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र जो है आप लोग को जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वही आपको बतलाए हैं, तो इन सारे को आप क्या कर लोगे कंप्लीट कर लोगे। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।